ये भी साले मेरी सेटिंग से नहीं मिलने देंगे। ओके बाबू, कल मिलते हैं। अबू भाई, आपके बाप ने मरते वक्त भी आपको छोड़कर उस सरपंच को बुलाया है और कुछ 500 करोड़ के बारे में बात कर रहे थे। अबू भाई, जाओ पकड़ो सरपंच को, आज पता चलेगा सरपंच को। मौत को तो यही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। जल्दी बंदे भेजो, सरपंच को पकड़ना है। चलो गाड़ी निकल। मेरे बंदे मुझे छोड़ के चले गए, लगता है साइकिल पे जाना पड़ेगा। क्या है? टट्टी? ये टट्टी खाली, मेरे गांव का सरपंच होकर टट्टी खाली। अभी घर जाकर जीप कटवाऊंगा। अरे काश मैंने आज विकास कराया होता तो ये टट्टी ना खानी पड़ती। अरे ये लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे रे, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? वाह क्या साइकिल है, मैंने अपने जीवन में ऐसी साइकिल नहीं देखी। इसे तो हमारे गांव के पुलिस वालों को देनी चाहिए। साइकिल छोड़ो, सरपंच का क्या हुआ? सरपंच का तो खोपड़ा टूट गया, मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे। सरकारी अस्पताल में इलाज कराए 10 रुपए में काम हो जाएगा। 500 करोड़ के लिए मैं इसका इलाज दुनिया के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। हॉस्पिटल नहीं, की जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर को घर पे ही बुला लो। घर पे ले चलो इसे। उठाओ
अरे साले बेहोश होने से पहले नहीं मुझ सकता था क्या? चलो बॉस बॉस, सरपंच का किडनैप हो गया है। तो थारे के फूफा की शादी है के? पता लगाओ सरपंच को किसने उठाया है। कौन हो तुम? किसके आदमी हो? सरपंच के बारे में क्यों जानना चाहते हो? हम बॉस के आदमी हैं। अबे तुम तो मेरे आदमी हो रहे भाई। तुम बहुत कम पैसे देते हो हमको, और वो बॉस ऐसी डील रोज करता है। अबे बॉस बॉस लगा रखा है, कौन है ये बॉस? जब बॉस आता है धरती फटने लगती है, आसमान काला पड़ जाता है, बिजली कड़कने लगती है। बॉस बॉस भी बोले और उंगली भी दिखावे, शर्म ना आवे। सुन बे अबू भाई, मारा सिर्फ एक ही धंधा हवे, वो हवे कॉन्ट्रैक्ट का। किसका कॉन्ट्रैक्ट? बीच में ना बोल। बचपन में मारी मुंह बोली बहन की मैंने जान बचाई थी, तो उन्होंने खुश होकर मेरे को एक लोरी गिफ्ट में दी थी। तो मैंने बहुत सोचा कि उसका क्या नाम रखे, तो मैंने उसका नाम रखा बहन की लोरी। क्या रखा? बहन की लोरी। बीच में ना बोल। तारे माथे पे जो बेईमान लिखा है ना, वो मारे माथे पे नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? अब जल्दी बोल, आगे डायलॉग बोलना है। बेईमान। बीच में ना बोल। सुनो बे बॉस, के बैठने का टाइम हो गया है। ए, ए, ए कुर्सी तो है ही ना, किस पे बैठेगा? मेरा तो ये रही। बॉस जो ठहरे, रॉकिंग कुर्सी साथ लेके ठहरे। सुन बे हाबू घाबू जाबू, जो भी थारा नाम है, सरपंच मारी बिरादरी का आदमी है, और ये बॉस अपनी बिरादरी के आदमियों के लिए जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है। सरपंच ने छोड़ दे, नहीं तो? नहीं तो क्या? ये बॉस का खून जब बोलता है तो ये एक एक को खोलता है, और जब ये एक एक को खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। अरे मैं कौन हूँ बे? मैं कहाँ गया? मम्मी मेरा दूध दूध हो रहा है। मम्मी यहाँ पर कोई मम्मी मम्मी नहीं है, बता 500 करोड़ रुपए कहाँ छुपा रखे? अंकल लॉलीपॉप दो रहा, अंकल लॉलीपॉप। चुप। अरे लॉलीपॉप दे रहा अंकल। रे मर। पता 500 करोड़ रुपए कहाँ छुपा रखे? इधर आओ, मैं कार भी बता रहा हूँ। सरपंच को होश आ गया है, 500 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं बताए तो लॉलीपॉप छीन लेना। ठीक, मैं जाता हूँ। दोई के पाने बनाल ज्वाला, पुल गए बंद खल का दाल, बिल के चीतले जमाल, जब की जीजी कल ले चाल, और छोला छजा छना। ए चुप, बता पैसे कहे? अरे ना 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 ना। ए चुप, बता पैसे कहे? इधर आओ, कार में बता रहा हूँ। सरपंच को होश आ गए, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, नहीं बताए तो लॉलीपॉप छीन लेना। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। ये पंजीयन की रानी, ये दुनिया के सब आदमी पागल है, मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ। ये आ गया पागल है कौन? चुप, बता पैसे कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा।
बता पैसे कहाँ हैं? सरपंच को सच में हो सके, चलो भाई को बताते हैं। चलो भाई को बताते। भाई सरपंच को होश आ गया, चलो चलो सरपंच के पास। आज पता चलेगा सरपंच को कि मौत को तो यहीं बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। अपने अड्डे में ले चलो, कान खा गया। हाथी गोला बाल की देखने लाल की, हाथी गोला बाल की देखने लाल की, घोड़ा गया रूट अंकल की किस्मत गई फूट देखने लाल की। अबे बुड्ढे तू मेरे से 10 साल बड़ा है और मुझे अंकल बोल रहे हैं। अंकल आप कैसे विदा हुए थे, आपको फरीक छोड़ के गई थे ना, है ना अंकल, है ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है नेता लोग राजनीति में जाने से पहले एक्टिंग का कोर्स करते हैं। सीधे सीधे बता मेरे 500 करोड़ कहाँ हैं? भाई ये सीधे सीधे नहीं बता रहे, इससे मांडोली कर लो। ठीक है मांडोली कर लेते हैं, 1% तेरा। भाई उसे 2 नंबर नहीं जाना बल्कि 2% चाहिए। ठीक है 2% तेरा। जैसे जैसे तेरा परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा बीपी बढ़ रहा है। भाई 1-2% दे देना बेचारे गरीब को, क्या बिगड़ रहा है। ठीक है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ना तेरा ना मेरा, 5% तेरा। अंकल मुझे 5 नहीं पूरे 10 चाहिए 10। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अरे डमरू जाके देख के आ, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, 500 करोड़ की सांसें चल रही हैं। भाई 500 करोड़ की सांसें चल रही है। हे बालाजी धन्यवाद, मेरे 500 करोड़ की सांसें चल रही हैं, अब इसे होश में लाओ। अब बताओ मेरे 500 करोड़ कहाँ हैं? अच्छा तो तुम्हें 500 करोड़ के बारे में जानना है, लेकिन ध्यान रखना मुझे भूलने की फोबिया बीमारी है, अगर कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब करेगा तो मैं कहानी फिर से शुरू करूंगा। सुन लिया ना तुमने, सरपंच जी की क्या बीमारी है बीच में नहीं बोलने का। सरपंच जी आप कहानी स्टार्ट करो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सुबह के कुछ 1:30 बजे थे, मैं सोकर उठा, मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा था, मेरी बीवी से मैंने कहा 1 कप चाय पिला दो, फिर मैंने चाय पी, नहा धोकर मैं घर से बाहर निकला। उस वक्त एक शायद ये आदमी था, वो तो बोल रहा था, ये नहीं बोल रहा यार। सरपंच जी वो आदमी मैं ही था। डमरू तुझे पता नहीं सरपंच की क्या समस्या है, चुप रहे। सरपंच जी आप स्टार्ट करो। सुबह के कुछ 12 बजे थे, मैं उठा, बकरा कुकड़ू कू कर रहा था, मैंने उठकर चाय हुई पी और मैं सीधा बाथरूम में गया, मुझे प्रेस होने में 1 घंटा लगता है, फिर मैं नहा धोकर अपनी बाइक पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, तभी मेरी बीवी बाथरूम से आई और मेरे गले से चिपक गई। आहा मजा आ गया। कौन बीवी या पड़ोसन? डमरू तू 1/2 घंटे के लिए चुप नहीं रह सकता। सरपंच जी आप स्टार्ट कीजिए। शाम के कुछ 12 बजे थे, कुत्ता कुकड़ू कू कर रहा था। अबे इसके कौन से नस्ल का कुत्ता है जो शाम को 12 बजे कुकड़ू कू करते हैं? सुबह के कुछ 1:30 बज रहे थे, मैं उठा और मेरी बीवी ने मुझे लाई, फिर नहाने और मुझे कहा कि फिनाइल से मेरी डमरू ये खाने का और ये
निकालने का, दोनों को बंद रख। सरपंच जी आप कहानी को फिर से शुरू कीजिए। सुबह के कुछ 3 बज रहे थे, मेरी बीवी कुकड़ू करके उठी और मेरे लिए हलवा बना कर लाई। मैंने अपना पेट खाली भी नहीं किया था और हलवा खा लिया। फिर मेरा पेट बहुत जोर से दर्द करने लगा, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जब जाकर मैं वापस आ रहा था, तब एक आदमी मेरी तरफ भागता भागता आया और उसने कहा कि अब्बू के पापा का आज आखिरी वक्त है। फिर मैंने बिना नहाए सब कुछ छोड़कर अब्बू के पापा के पास चला गया। अब्बू के पापा ने मेरा हाथ पास में खींचा और कहा कि पुरानी है। मैं क्या हाबू जी पछाणिया, अकेले अकेले लूट रहे हो 500 करोड़। मारो साले को। अबे सरपंच भाग, यहाँ के तेरे भूपा का ब्याह है, भाग। गाइस, अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये चलचित्र आपको अच्छा लगा तो इसे पसंद करें, इसे साझा करें, इसे लाइक करें और क्या करना था? सीमेंट करो हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल को फॉलो करें। अरे वो कमेंट होता है, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना।